मैडम रिलैक्स, पहले पानी पी लीजिए। अब बताइए क्या हुआ? सर, वो कुछ लड़के ना पार्क में एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आपने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं किया? सर, वो मैंने पुलिस स्टेशन पास में देखा, तो मैंने सोचा कि 100 नंबर पे क्या कॉल करना, मैं आपको खुद ही अपने साथ ले चलती हूँ। अब चलो। अच्छा चलिए, मैं देखता हूँ। मैडम, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा मुझे। सर, वो यहीं थे, मैंने यहीं देखा था। कॉन्स्टेबल, जाके जरा किसी से पूछताछ करो, किसी ने ऐसा होते हुए कुछ देखा क्या? जी सर। मैडम, वैसे वो दिखते कैसे थे? सर, वो लोग गुंडे जैसे दिखते थे, और कैसे दिखेंगे? बड़े बड़े थे, लंबे लंबे, काली काली दाढ़ी थी उनके, काले काले से चेहरे थे उनके, और एक ने कपड़ा बांध रखा था और एक ने तो टोपी भी लगा रखी थी। आप उन्हें देखोगी तो पहचान लोगी? हाँ सर, बिल्कुल पहचान लूंगी। सर, मैंने सबसे पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं देखा। मैडम, आप श्योर हो? आपने यही देखा था? हाँ सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने यही देखा था। यही खड़ी थी लड़की, और तीन लड़के उसे घेर के खड़े थे और उसे छेड़ रहे थे, और वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, मैंने खुद देखा था सर। कॉन्स्टेबल, एक काम करो, यहाँ पे ना आसपास सीसीटीवी कैमरे पे देखो, कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या, और मैडम की रिपोर्ट लिख लो जो जो ये बता रही है। ठीक है सर, चलिए मैम। हाँ जी मैडम, बताइए उन तीनों के बारे में, उनका हुलिया कैसा था? हाँ, वो तीन लोग थे, एक ने गले पे रुमाल पहन रखा था। मैडम, रिपोर्ट मैं लिख रहा हूँ, सर नहीं। हाँ हाँ, बता रही हूँ, तीन लड़के थे और। ओके मैम, सर सब लिख लिया मैंने। ठीक है मैडम, अगर आपको वो लड़के कहीं भी दिखते हैं या कुछ भी पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। ओके सर। ठीक है सर, आपका नंबर। नंबर किस लिए? सर, मैं आपको इन्फॉर्म कैसे करूंगी? आप 100 पे डायल करोगी तो पुलिस स्टेशन में ही कॉल लगेगी, वहाँ इन्फॉर्म कर देना। अरे सर, तो मान लो कि मैंने उन लड़कों को कहीं देखा और मैंने आपको कॉल करा, आप घर पे हुए या कहीं बाहर हुए, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कैसे कर पाऊंगी, है ना? लिखिए आप 95। ठीक है? ठीक है सर। कभी भी किसी भी टाइम वो बंदे दिखे, मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। ठीक है सर। ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मार्केट के बेस्ट गेम एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी हम एविएटर के साथ शुरू कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर गेम इन परीमैच, फास्ट ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड बाय टॉप सेलिब्रिटी एंड मिलियंस ऑफ प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। एविएटर का बहुत सिंपल रूल है, कैश आउट करना है प्लेन टेकअप से पहले। चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए मैं जीत गया कितनी आसानी से। परीमैच में 5000 से ज्यादा गेम्स है और एविएटर मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे अंदर बाहर क्रैश एक्स, जेड एक्स, क्रिकेट भी है, फुल एक्साइटमेंट एंड जॉय। बेस्ट गेमिंग प्रोवाइडर चूज परीमैच, ये यूजर फ्रेंडली भी है एंड ट्रस्टेड भी है। यहाँ पे साइन अप करने के लिए कुछ क्लिक करने पड़ते हैं, बेस्ट गेमिंग कलेक्शन की गारंटी मिलती है, 24 आवर कस्टमर सपोर्ट और फास्टेस्ट विड्रॉ। माय फेवरेट वेलकम बोनस 1,00,000 रुपीज। तो मैंने वेडर खेलने और परीमैच के लिए कन्विंस कर लिया, हाँ तो जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए और पैसा डबल करिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है और वीडियो के अंत तक जरूर देखना। आपने उन लड़कों को देखा क्या? नहीं सर, वो तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा पर्स चोरी हो गया। हाँ, पुलिस वालों को भी काम तो रहने के, पर्स ढूंढेंगे। सर, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, कॉन्स्टेबल इनकी रिपोर्ट लिख लो। अरे सर, आप लिखी ना रिपोर्ट, वो क्या है ना कि मेरे पर्स में ना बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट थे मेरे, अगर वो मुझे नहीं मिले ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना क्या इम्पोर्टेंट था जो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? हाँ ना सर, आप रिपोर्ट लिखिए ना। ठीक है, बताइए। सर जी, एक क्वार्टर मिलेगा, मैं आपको डबल डबल पैसे दूंगा। कॉन्स्टेबल, इसको दो डंडे लगा, इसका मुंह बंद करवा। जी सर।
सरजी, मेरा मुंह तो मेरी बीवी बंद करवा सकती है और कोई नहीं। अब बताइए मैडम, पर्स कौन से कलर का था? सर वो ब्लू कलर का था। और कहाँ पे चोरी हुआ? सर वो मैं जब बस से उतर के बस स्टैंड पे पहुंची तो सामने मुझे आइसक्रीम वाला दिखा और मैं आइसक्रीम खाने गई। अरे मैडम ये बताइए पर्स कहाँ चोरी हुआ? अब सर डिटेल में बताऊंगी तभी तो आप समझ पाएंगे ना। अच्छा बताइए। हाँ तो मैं कहाँ थी? मैडम जब आइसक्रीम खा रही थी। हाँ सही बोला, तो मैं आइसक्रीम खा रही थी, तो आइसक्रीम खाने के बाद मैं वहां से निकली और रास्ते में चल ही रही थी कि सामने काली बिल्ली आ गई और उसने मेरा रास्ता काट दिया। मैडम जी मेरे तो पर्स आपका चोरी हो नहीं था। इसकी तो ये चुप नहीं होगा। सॉरी सॉरी सर, अब नहीं करूंगा। हाँ तो मैडम बताइए आगे क्या हुआ? सर कहाँ थी मैं, फिर से भूल गई मैं कहाँ थी। मैडम जी बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ तो बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। हाँ तो अब मैं उस रास्ते से तो जा ही नहीं सकती थी, तो फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना। अब मैं उस रास्ते से जा ही रही थी कि वो ना गली बहुत सुनसान थी। मैडम मैं यहाँ हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लिखने नहीं बैठा, ये बताइए पर्स कहाँ चोरी हुआ? हाँ तो बस सर वही तो चोरी हुआ, उसी सुनसान गली में एक लड़का आया और मेरा पर्स छीन के भाग गया। तो इसे क्या सीख मिली मैडम जी? बिल्ली अब सगुन नहीं होती है। कॉन्स्टेबल जी सर, इसको दो चार डंडे और लगा तब जाके चुप हो गए। तो बताइए मैडम कहाँ थे हम? हाँ तो सर उस सुनसान गली में वो लड़का मेरा पर्स लेके भागा, मैं उसके पीछे भागी। वहाँ अगल बगल सीसीटीवी कैमरा था? पता नहीं सर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ध्यान कहाँ था आपका? आइसक्रीम खाने में ना, आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी सर। मैडम इसे कौन सा फ्लेवर था? चोकोबार। सॉरी सर सॉरी। रिपोर्ट लिख लिए, कुछ पता लगता है तो बता देंगे। ओके सर, तो मैं जाऊं? नहीं डिनर लगवा दूं? हाँ ठीक है सर, लगवा दीजिए। अरे जाइए। ठीक है सर मैं जा रही हूँ। कॉन्स्टेबल एक चोकोबार लेते आना यार। क्या सर? मेरा मतलब डिस्प्रिंग यार, सर दर्द हो गया मेरा। ओके सर। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? पिकनिक पे आया था। अरे सर ये तो गलत बात है ना, पुलिस की यूनिफॉर्म में आप पिकनिक मना रहे हो। मैडम मैं यूनिफॉर्म में हूँ तो ड्यूटी पे ही होऊंगा ना। ओह अच्छा, वैसे सर मेरा पर्स मिला? हाँ मिल गया और जला भी दिया। क्या सर कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, वो रिपोर्ट लिख ली है, जैसे मिलेगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर। अरे क्या हुआ? लगता आंख में कुछ चला गया। दिखाइए मुझे। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है। ठीक है सर तो मैं चलती हूँ अब। एक मिनट। जी सर बोलिए। आपके पर्स का कलर ब्लू है क्या? जी सर ब्लू है। उसमें एक ही चैन है? हाँ सर एक ही चैन थी। उसमें फॉरएवर लव लिखा है? हाँ सर उसमें फॉरएवर लव लिखा था। तो मिल गया आपका पर्स? मिल गया, कहाँ है सर? ये रहा। ये वो वाला पर्स नहीं है सर, मैंने एक जैसे दो लिए थे, वो ऐसा ही दिखता है पर ये वो नहीं है। ठीक है सर तो आपको मिल जाए वो वाला पर्स तो मुझे बता देना, मैं चलती हूँ। लगता है सर आपके प्यार में गिर गई। हाँ लगता। क्या बोला? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ चलते हैं। चलो
तू अंबरा तो आई होई हूर सोनी है, तेरे इश्के च हो गया मचूर सोनी है। अंबरा तो आई होई हूर सोनी है, तेरे इश्के च हो गया मचूर सोनी है। गज वज के करांगा तैनू प्यार। वैसे तूने उस पुलिस वाले में ऐसा क्या देख लिया जो तुझे उससे इतना प्यार हो गया? तुझे तो पता है ना यार कि मुझे पुलिस वाले से कितनी नफरत है, पर जब मैंने उसे पहली बार देखा ना तो मुझे पता चल गया कि वो सबसे अलग है, वो औरों की तरह नहीं है। अब तो खुद सोच, जो दूसरों के बारे में इतना सोचता है उसका दिल और ईमान कितना साफ होगा। हाँ सही कहा, पर ना आजकल के पुलिस वाले ना सिर्फ रिश्वत ही लेते हैं। बात तो तेरी सही है, पर वो ना वो सबसे अलग है। और उसका क्या हुआ जो तेरे पीछे पड़ा था? हेलो हेलो, हाँ 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 सुन रही हूँ। अरे कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं यार, तू भी ना किसकी बातें लेकर बैठ गई है। तुझे तो पता है ना कि उसी की वजह से मैंने वो शहर छोड़कर यहाँ शिफ्ट करा है। हम मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, तो प्लीज़ तू ना उसके बारे में कोई बात मत कर। हाँ ठीक है, तू अपना ध्यान रखियो, कहीं ढूंढते ढूंढते ना वो वहाँ भी ना पहुँच जाए। यू नो ना कितना बड़ा साइको है वो। आई नो यार, इसलिए मैं बस प्रे करती हूँ भगवान से कि मुझे उसके सामने दोबारा मत लाए। चल ठीक है, करती हूँ बाद में बात। बाय। ठीक है बाय। रुस्तम, बड़ी जल्दी पहचान लिया। हाँ नहीं तो 100 लोगों के बीच में भी ना तुम्हें आराम से पहचान सकती हूँ मैं। अच्छा इतना प्यार? प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये पुलिस वालों के हाथ ना होते ही इतनी सख्त हैं, मुझे पता लग जाता है कि तुम हो। अच्छा बेटा, किसी और का सख्त हाथ देख के रुस्तम मत समझ लेना। हाँ, इतना सस्ता भी नहीं है मेरा प्यार कि किसी को भी रुस्तम समझ लूं। अच्छा फिर कितना महंगा? कम से कम 4-5 करोड़ का तो है। चलो ना चाय पीते हैं। चलो। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी। हेलो, अच्छा तुम रिपोर्ट लिखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ? वो यार पुलिस स्टेशन में अर्जेंट केस आया, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। पक्का? हाँ हाँ पक्का, तुम जाओ। ठीक है। रुस्तम तुम गए नहीं? हाँ हम। तुम्हें क्या लगा था तुम शहर बदल दोगी तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? इतना कमजोर नहीं है हमारा प्यार। देखो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना कभी करूंगी, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा तो हम तुम्हारा कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े या तुम्हारी जान लेनी पड़े। लगता है शर्मा गई हमसे। कोई बात नहीं, अपनी दुल्हनिया लिए बिना हम थोड़ी ना जाएंगे यहाँ से। देखो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। प्रीत, रुस्तम, रुस्तम तुम, मुझे लगा वो आ गया था। कौन आ गया था? कोई नहीं छोड़ो। बताओ कौन आ गया था? अरे मैं कह रही हूँ ना कोई नहीं, तुम छोड़ो। तुम्हें मेरी कसम बताओ। रुस्तम वो, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े या तुम्हारी जान लेनी पड़े।
फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्या हुआ मैडम, हमसे भाग रही हो क्या? इतने बुरे तो नहीं है हम। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? इसे पीछा करना नहीं, मोहब्बत कहते हैं, जो हम आपसे करते हैं वो भी बेइंतहा। पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। बचपन से हमारी आदत है, जिस चीज पर हमारा दिल आ जाए ना उसे हम हासिल करते हैं। अगर वो प्यार से मान जाए तो ठीक, वरना जबरदस्ती। भाग के हमसे जाएंगी कहाँ? फिकर मत करो, मैं आ गया हूँ ना। गन के साथ तो कोई भी मार सकता है, हिम्मत है तो बिना गन के आ। अगर किसी से प्यार करता है ना, तो प्यार को प्यार से हासिल कर, जबरदस्ती नहीं।